कुछ हलवे ना गर्मियों में खाए जाते हैं और कुछ सर्दियों में, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप सर्दी गर्मी 12 महीने में कभी भी खा सकते हैं। ऐसी एक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। वेलकम बैक टू एक्सॉटिक टाइम, मैं हूँ स्वाति। और आज का ये जो स्पेशल स्वीट है ना, वो बनाएंगे हम चुकंदर से। तो आपको यहाँ पर चुकंदर लेना है। चुकंदर लेते टाइम ना आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एकदम ताज़ा वाला जो बहुत रसीला सा आता है ना, वही चुकंदर लीजिए। बस उनको धो करके और उसको हमको पील करने के बाद में ना ग्रेट करना है। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पील तो हम कर रहे हैं लेकिन आप है ना ये लकड़ी के चॉपर के ऊपर कभी मत करिएगा। मैं बर्बाद कर चुकी हूँ, आप मत करिएगा। इसको या तो स्टील पे करिएगा या फिर ग्लास के ऊपर, क्योंकि इसका जो रंग है ना चुकंदर का, देखिए हाथ पे तो आया ही है और बर्तन पर से तो जाता ही नहीं है, इसलिए लकड़ी का बर्तन बिल्कुल यूज मत करिएगा। वैसे तो आप चुकंदर को ना आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन कई बार बनाने के बाद ना लोगों को हल्का सा उसका जो चुकंदर का कसैलापन होता है वो फील होता है, इसलिए इसको एक बार ना पानी के अंदर आप थोड़ा सा डाल करके और निचोड़ लीजिए। अब इस ग्रेटेड चुकंदर को हम अलग रख लेंगे, लेकिन ये जो पानी है ना, इस पानी को बिल्कुल मत फेंकिएगा, बहुत काम का पानी है, इसको भी हम यूज में ले लेंगे। एक तो ये स्वीट ना हेल्दी तो है ही, साथ में आप डाइट पे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसे हम बहुत ही कम घी के अंदर बनाएंगे। सिर्फ यहाँ पर 1 या 2 चम्मच घी आपको यूज में लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी के अंदर ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लिया है, और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप बिना ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करे भी ले सकते हैं। अब उनको तो मैंने निकाल लिया ड्राई फ्रूट्स को, और उसी पैन के अंदर 1 चम्मच घी डाल करके यहाँ पर मैंने जो चुकंदर लिया है वो लगभग 250 ग्राम चुकंदर लिया है, उसको अच्छी तरह से भूनना है। इसके ऊपर इस तरह की कोटिंग आ जानी चाहिए कि देखिए आप चुकंदर के अंदर ना एक शाइन सा फील होने लगा है। तो सिर्फ जो 1 चम्मच घी था वो इसके ऊपर एक कोटिंग कर देगा, तो इससे क्या होगा, ये बहुत ज्यादा है ना सॉफ्ट नहीं हो जाएगा। हलवा तो हम बना रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा सॉगी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2-3 मिनट इसको ढक करके रख दिया था। अब ये देखिए इस तरह आप देख सकते हैं कि चुकंदर जो है वो काफी हद तक सॉफ्ट हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा उठा के दिखाती हूँ, बस ये इस तरह से हल्का सा कट जाना चाहिए। सिर्फ इतनी ही देर आपको ढक के रखना है, इससे ज्यादा मत ढकिए। अब इसके अंदर हमको दूध मिलाना है। दूध की क्वांटिटी लगभग उतनी ही चली जाती है जितना हमने चुकंदर लिया है, वैसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये मिल्क मिलाने के बाद ना अब आपको ढक करके नहीं रखना है, अब इसको खुले में ही आप कुक होने दीजिए। जितना ये खुले में कुक होता जाएगा, एक तो जल्दी हो जाएगा और दूसरा इसमें हमने जो बर्तन लिया है ना थोड़ा सा ब्रॉड बर्तन लिया है, तो ये जल्दी से कुक हो जाएगा। किशमिश ना एक्चुअली इसी टाइम मिला दीजिए। इस टाइम क्या होगा, जो किशमिश है एक तो वो दूध सूखेगी तो थोड़ा सा वो जो फूल जाती है ना उसके अंदर बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, और थोड़ा ये कलर भी जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो भी बड़ा अच्छा लगने लगता है। 8 से 10 मिनट में ना ये लगभग दूध पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब इस टाइम आप इसके अंदर शुगर मिला दीजिए। शुगर आप चुकंदर का कैसा टेस्ट है उसके हिसाब से मिलाएगा, अगर ज़्यादा मीठा है तो कम मिला दीजिए, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा नॉर्मल मीठा है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी मिला सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी और डाल दूंगी। अब ये जो घी है ये इसको भूनने में एकदम हेल्प करेगा और साथ में जो है ना टेस्ट बहुत बढ़ा देगा। वैसे तो चुकंदर के हलवे में ना नॉर्मली लोग मावा डालते हैं, बट मावा हमेशा होता नहीं है, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है। ये जो मिल्क पाउडर है ना इसको एकदम मावे वाला फ्लेवर दे देगा। अब अच्छा हुआ ना, अब डालने से आपको टेस्ट भी मिल जाएगा और जो मावा बाजार से लाने वाला टेंशन है वो भी नहीं रहेगा। तो बस अब ड्राई फ्रूट्स डाला, इलायची डाला और थोड़ी सी देर इसको और भुनते दीजिए, और आपका ये जो गर्मा गर्म हलवा है वो बन करके रेडी हो जाएगा। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप चाहे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप लाइव कुकिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फेसबुक पर तो आप लोगों के साथ लाइव कुकिंग करती हूँ, तो आप इंस्टा और फेसबुक पर भी आ सकते हैं। तो ये जो हलवा है चुकंदर का हलवा, हेल्दी हलवा तो है ही, साथ में आप इसको काफी लंबे टाइम तक ना फ्रिज के अंदर रख के खा भी सकते हैं। अब ऐसे हलवा खाने से कौन मना करेगा, जो अब बोले हेल्दी है आप खाइए तो फिर खाना पड़ेगा। अब जो पानी निकाला था उसको हमने बोला था ना वेस्ट नहीं करना है, तो वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाया और बस पी जाइए। ये खून बढ़ाने वाली चीजें हैं, आप वेस्ट तो कर ही नहीं सकते, तो आप इनको खाइए खिलाइए और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।